हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शाक्य और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ भारतीय संस्कृति के सेकंड लेक्चर में जो हिंदू महीनों के नाम होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पक्ष क्या होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या होते हैं, क्योंकि उनका बड़ा इंपॉर्टेंस है जब हम महीनों के नाम को समझते हैं। तीसरी चीज़ है अलंकारिक भाषा। अलंकारिक भाषा के बारे में थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दूंगा क्योंकि इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर आप हमारे वेदों पुराणों को समझना चाहते हैं, पुराणों में लिखी बातों को समझना चाहते हैं, तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। इनफैक्ट बहुत सी कहानियाँ होती हैं हमारे यहाँ पुराणों में लिखी हुई होती हैं, तो वो सारी कहानियाँ बड़ी ही अलंकारिक भाषा में होती हैं। तो अगर आपने उनको ऐसे ही ले लिया, कई बार ऐसा भी होता है कि जैसा लिखा है वैसा हमने ले लिया और उसके बाद हम उसका अर्थ नहीं निकाल पाते और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जब अर्थ का अनर्थ होता है तो विश्वास की जगह अंधविश्वास जैसी चीज़ें पलने लगती हैं। इसलिए अलंकारिक भाषा का ज्ञान होना और क्या होती है अलंकारिक भाषा, इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और उसके अलावा महीनों के नाम पे हम सबसे पहले चलते हैं। महीनों के नाम कौन कौन से होते हैं? हिंदू महीना जो सबसे पहला महीना होता है उसका नाम होता है चैत्र। जैसे हमारे यहाँ जनवरी होता है उसमें इंग्लिश महीनों में, उस तरीके से हिंदी महीने में सबसे पहले होता है चैत्र, उसके बाद होता है बैसाख, फिर होता है ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, फिर श्रावण, भादों जिसे भाद्रपद भी कहते हैं, फिर आता है आश्विन, फिर आता है कार्तिक, फिर आता है मार्गशीर्ष, फिर आता है पौष, फिर आता है माघ और फिर आता है फाल्गुन। फाल्गुन आखिरी महीना होता है, चैत्र पहला महीना होता है। ये आपको गूगल पे ही मिल जाएगा, लिखने की नोट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब देखते हैं कि ये महीने में होता क्या क्या है, इसमें दिन कौन कौन से होते हैं। अब जैसे हम गिनते हैं अपने अंग्रेजी महीनों में, एक तारीख से शुरू करते हैं, 30 तारीख तक जाते हैं, 31 तारीख तक जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे हिंदू महीने जो होते हैं उसमें दो पक्ष होते हैं, यानी दो पखवाड़े जिसको कहते हैं, ठीक है। तो दो पक्ष होते हैं, पहला पक्ष होता है हमारा शुक्ल पक्ष, दूसरा पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, जो यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला पक्ष क्या होता है? शुक्ल पक्ष, और दूसरा होता है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष से महीने की शुरुआत होती है और कृष्ण पक्ष के बाद महीने का अंत हो जाता है, ठीक है। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही 15-15 दिनों के होते हैं। शुक्ल पक्ष कौन सा होता है? जिस दिन चंद्रमा अमावस्या के दिन जो होता है, चंद्रमा पूरी तरह से काला होता है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, चंद्रमा की रोशनी बिल्कुल नहीं आती, तो अमावस्या के अगले दिन से नया महीना शुरू होता है। अमावस्या के अगले दिन से नया महीना शुरू होता है और नए महीने की पहली तारीख से लेकर के 15वीं तारीख तक एक पक्ष होता है। उन तारीखों के भी नाम होते हैं, ठीक है, उन तारीखों के भी नाम होते हैं। पहली तारीख को कहते हैं प्रतिपदा, पहले का तारीख का नाम याद रखिए प्रतिपदा, दूसरी का है द्वितीया, तीसरी का तृतीया, चतुर्थी जो 4 तारीख होती है, पंचमी 5, षष्ठी 6, सप्तमी 8, नवमी 10, एकादशी, फिर द्वादशी, त्रयोदशी, जैसे धनतेरस होती है वो 13 तारीख को होती है, हिंदू महीने की 13 तारीख को होती है त्रयोदशी, ठीक है। उसके बाद आती है चतुर्दशी, फिर आती है पंचदशी, यानी जो 15 तारीख होती है, उस दिन को या तो हम अमावस्या कहते हैं या पूर्णिमा कहते हैं। अमावस्या कब कहते हैं? जब हमारा महीना खत्म हो रहा होता है तब अमावस्या कहते हैं, और जब महीना शुरू होने के बाद शुक्ल पक्ष जो पहला पक्ष होता है जब वो चल रहा होता है उसकी आखिरी तारीख होती है उसे हम पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। जैसे अमावस्या के अगले दिन से महीना शुरू हुआ और महीना शुरू होते होते कहाँ तक गया, 15 दिन पूरे हो गए, तो जब 15 दिन पूरे हो गए तो उसको क्या कहते हैं, 15वें दिन को हम पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है, जब पूर्णिमा खत्म होती है तो उसके बाद फिर अगले दिन 15 दिन शुरू होते हैं, तो उन 15 दिनों में जो पहला दिन होता है उसे फिर से प्रतिपदा कहते हैं, लेकिन उसे क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, और आखिरी दिन को क्या कहते हैं, अमावस्या, जो आखिरी 15वां दिन आता है कृष्ण पक्ष में उसको हम अमावस्या कहते हैं, ठीक है। तो जैसे राम जी का जन्म हुआ था वो चैत्र महीने की 9वीं को हुआ था, कौन सी 9वीं को हुआ था, शुक्ल पक्ष की 9वीं को। तो जब भी हम किसी को बताते हैं हिंदू महीनों में कि किसका जन्म कब हुआ था, तो वो पक्ष का नाम लेते हैं, तारीख भी लेते हैं और महीने का नाम भी लेते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर में होता है इतनी तारीख, 31 जनवरी, 2 जनवरी, ऐसे बोलते हैं, लेकिन जो हमारे हिंदू महीने होते हैं उसमें हम क्या कहते हैं, पक्ष, महीना और तिथि, ये तीनों बताते हैं। जैसे अगर हम राम जी के जन्म की बात करें तो 9वीं, शुक्ल पक्ष की 9वीं, चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की 9वीं को उनका जन्म हुआ था। कृष्ण जी की बात करें तो उनका जन्म कब हुआ था, भाद्रपद में, यानी भादों में जो कृष्ण पक्ष होता है उसकी 8वीं को उनका जन्म हुआ था, और जिस दिन उनका जन्म हुआ था उस दिन था बुधवार, और उनकी राशि जो सूर्य राशि होती है वो हमारी सिंह थी, वो सिंह राशि के जातक थे, ठीक है। तो इसीलिए पूरी दुनिया पे उनका प्रभाव वैसा सिंह की तरह ही हो गया, ठीक है। तो जो ये तिथियां हैं और जो त्यौहार हैं, अब आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, अपने आप से खुद भी देख सकते हो कैलेंडर को, जो हिंदू पंचांग होता है देख सकते हो, समझ सकते हो अगले साल ये त्यौहार कब पड़ेगा, प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इंग्लिश कैलेंडर में ये त्यौहार इस दिन पड़ेगा जो हमारा हिंदू त्यौहार है, ठीक है। तो वो बिल्कुल सटीक फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना होता, उसी के बेसिस पे पंचांग में डेट्स बताई जाती हैं फेस्टिवल्स की, जो हमारे जो विद्वान हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो बताते हैं जब पंचांग तैयार करते हैं उसी हिसाब से बताते हैं, ठीक है। तो ये हो गए महीनों के नाम, पक्ष के नाम, दिनों के नाम आपको समझ में आ गए होंगे।
याद रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप इसको गूगल पे भी देख सकते हो, आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगे। पक्ष के बारे में जानकारी रखिए और महीनों के नाम आप याद रखिए, इतना काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद जो अगली चीज़ बचती है, जो आज की जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है अलंकारिक भाषा। अब जैसे अगर हम कई बार क्या करते हैं कि कई बार आपने मुहावरे सुने होंगे, कहावतें सुनी होंगी, जैसे कोई बंदा बैठा है डर के मारे, उसकी हालत खराब हो गई, कोई चीज़ देख ली उसने, ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसे तो सांप सूंघ गया, ठीक है। तो इसका मतलब यह नहीं कि कोई सांप आया और उसको बगल से उसको सूंघ के निकल गया इसलिए डरा हुआ है। सांप सूंघ गया एक अलंकारिक भाषा में कहा गया मुहावरा है, जो ये बता रहा है कि बंदा सामने वाला बहुत डर गया है, कोई ऐसी घटना हो गई उसके साथ जिसकी वजह से वो बहुत डर गया है। लेकिन अगर हम ऐसे ही ले लें कि सांप सूंघ गया, कोई सांप उसको सूंघ के चला गया, तो फिर तो अर्थ का अनर्थ हो गया, फिर तो हम कहना कुछ चाह रहे हैं वो कुछ और गया। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ जो वेद और पुराण लिखे गए हैं उन सब में भी इसी तरह से अलंकारिक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। अलंकार कौन कौन से ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं वो मैं आपको अगली बार बताऊंगा, नाम बता देता हूं उनका आज में। उनका नाम है उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार। ये दो अलंकार हैं जो कि हमारे भारतीय ग्रंथों में, चाहे वेद हों, चाहे पुराण हों या उपनिषद हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन दो अलंकारों का इस्तेमाल हुआ है। अगर आप इन दो अलंकारों के बारे में जानते हैं तो फिर आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमें वेदों और पुराणों में लिखी हुई चीज़ को समझना है, पढ़ना है, उसको एज इट इज़ नहीं लेना। जैसे कई जगह ऐसा कहा जाता है, अगर आपने बचपन में सीरियल देखे हो तो कई बार ऐसा दिखाया जाता है कि कोई जो योगी होता है, कोई तपस्वी होता है, जब वो तपस्या करता है तो अचानक से इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है। इसका क्या मतलब है, इंद्र का सिंहासन डोलने क्यों लगता है? इसके पीछे एक मैसेज है, इसके पीछे एक अलंकारिक भाषा है, ठीक है। और जो इंद्र एक देवता है, वो प्रकृति के देवता है, प्रकृति में एक देवता है, एक पावर है इंद्र, जो कि क्या करती है, हमारी इंद्रियों का, जो हमारा जीभ है या हमारा स्वाद लेने वाली इंद्रियां हैं या ऐसा कोई भी कर्म इंद्रिय जिससे हम इस संसार के सुखों को भोग सकते हैं, उन सभी इंद्रियों का जो प्रतीक देवता है वो इंद्र ही है, ठीक है। इसीलिए ये अलंकारिक भाषा समझना जरूरी है और उसको समझने पर ही हमें असली फिलॉसफी समझ में आएगी कि कौन सी चीज हमें क्या बताना चाह रही है, कौन से श्लोक में क्या लिखा गया और हमसे क्या कहा जा रहा है, ठीक है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल खत्म करने से पहले मैं देना चाहूंगा, एक गाना आपने सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना है तो यूट्यूब पे जाकर के आप सर्च मारिएगा, उस गाने के बोल हैं, घूंघट के पट खोल तोहे पिया मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ऐसे गाना सुनो कि घूंघट के पट खोल तोहे पिया मिलेंगे, तो इसका क्या मतलब है, ठीक है, ऐसा लगता है काफी रोमांटिक सा गाना है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ठीक से देखोगे, जाकर समझोगे, तो आपको दिखाई देगा कि घूंघट के पट खोल तोहे पिया मिलेंगे ये कबीर दास की लिखी हुई एक रचना है, उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके हमारे हिसाब से रख दिया गया है। लेकिन हुआ क्या है, उसका मैसेज, मेन मैसेज अभी भी नहीं बदला है, उसका मेन पर्पज अभी भी वही है कि जो वो समझाना चाहते हैं वो क्या है, वो ये है कि जो घूंघट है वो कुछ नहीं है, वो हमारी ये जो आँख है जिसे हम तीसरी आँख कहते हैं, जो हम जो साधक होता है जब वो साधना करता है तो यहाँ भ्रिकुटी पर जो वो लगाता है, ध्यान लगाता है, इस भ्रिकुटी को ही हम क्या कहते हैं, पर्दा कहते हैं, घूंघट कहते हैं, ठीक है। इसी घूंघट को, इसी तीसरी आंख को, इस भ्रिकुटी को ही यहाँ पर ध्यान लगा के इसे ही जागृत करना है। आप उस पूरे गाने को सुनिए, उसका पूरा मतलब समझिए, आपको समझ में आएगा कि ये कितनी गहरी मीनिंग लिए हुए है। उसमें कुछ लाइनें मैं आपको बता देता हूँ। एक लाइन तो आती है, घूंघट के पट खोल तो ये पिया मिलेंगे, और पिया कौन है, पिया है भगवान, कृष्ण, राम, या जो भी कह लो, जिस ईश्वर की आप आराधना कर रहे हो, जिससे आप जुड़ना चाहते हो, जिस ब्रह्म से आप जुड़ना चाहते हो, वही पिया है, ठीक है। इसमें एक दो लाइनें और आती हैं कि सूने मंदिर दिया जलाकर आसन से मत डोल, यानी जो आपका सूना मंदिर कौन सा है, आप अपने दिमाग को बिल्कुल बेकार के विचारों से खाली कर लीजिए तो आपका मन क्या हो जाएगा, ये मन एक मंदिर है, ये मंदिर जो है ये सूना कर दीजिए, किसी भी तरह के विचार से, किसी भी तरह की माया से मुक्त हो जाइए, और उसके बाद दिया जलाकर, यानी ये जो आपने अलख जला ली है, ये जो आपने ध्यान लगा लिया है, ये ध्यान ज्योति जो आपकी जलने लगी है, फिर उसके बाद आप अपना जो आसन लगा के बैठे हो, जो ध्यान में बैठे हो, वहां से बिल्कुल नहीं हिलना है। तो ये साधकों के लिए, ज्ञान मार्ग की उपासना करने वालों के लिए, जो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनके लिए ये बातें लिखी गई थी, और बड़ी ही मेटाफरिक भाषा में आप समझ सकते हैं कितना मेटाफरिक है। उसी तरीके से एक गाने का रेफरेंस मैं आपको और दे रहा हूँ, जो कि बहुत ही गलत तरीके से समझा जाता है, बहुत ही गलत तरीके से सुना जाता है, बट वो बहुत अच्छा गाना है और वो बहुत अच्छा मैसेज देता है इसी चीज़ को लेकर के। उसका नाम है, और वो गाना बहुत पुरानी मूवी में आया था, उसके बोल कुछ ऐसे हैं, लागा चुनरी में दाग,
ठीक है, आप इस गाने को सुनिए, आपको ऐसे लगेगा जैसे लागा तुनरी में दाग, ये कुछ अजीब सा गाना है और इसका मतलब कुछ और है, लेकिन आप इसको सुनिए, जाइए अगले एपिसोड में, अगले लेक्चर में हम इसको जरूर डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब है। यही अलंकारिक भाषाएं हैं जिनको जानना जरूरी है बिफोर यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे आपको वेदों में या पुराणों में लिखी बातें समझनी है या उपनिषदों में लिखी बातें समझनी है। ठीक है, तो अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।